हाँ जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का चैलेंजर पॉइंट इंस्टीट्यूट में, आपका सुपर टेट ऑनलाइन कोर्स में सभी बच्चों का स्वागत है। दोस्तों सभी लोग आ जाइए, सारे लोग आ जाइए। सुपर टेट का एक आज का जो आपका टॉपिक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बेहतर टॉपिक आपके लिए है। अभी आप जो है आज साइकोलॉजी, आज का आपका जो टर्न है साइकोलॉजी का है। साइकोलॉजी में जो हम टॉपिक ले रहे हैं, जो हम लोग टॉपिक ले रहे हैं, वो आपका जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। क्या है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो सारे लोग आ जाइए, ठीक भैया, सब लोग आइए। आज का टीचिंग इंस्टीट्यूट जो है, इसके पहले जो है वन वीक हम लोग जो है शिक्षण कौशल पर, जो टीचिंग एप्टीट्यूड था, शिक्षण अभिक्षमता वगैरह, उन सब पर अध्ययन कर लिया। आज का जो आपका टॉपिक है वो आपका है क्या, वैयक्तिक विभिन्नता, या जो है क्या वैयक्तिक विभेद, वैयक्तिक विभिन्नता, या जो है क्या वैयक्तिक विभेद, वैयक्तिक विभिन्नता, या जो है क्या वैयक्तिक विभेद। ठीक है, तो सब लोग आ जाइए, सब लोग आ जाइए भाई। ठीक है, तो वैयक्तिक विभिन्नता के अध्ययन के जनक, वैयक्तिक वैयक्तिक विभिन्नता के, वैयक्तिक विभिन्नता के अध्ययन के जनक, वैयक्तिक विभिन्नता के अध्ययन के जनक फ्रांसिस गाल्टन को माना जाता है। फ्रांसिस गाल्टन को क्या माना जाता है? तो हाँ जी, यास्मीन बानो, गुड मॉर्निंग। तो वैयक्तिक विभिन्नता के, ठीक है, अध्ययन के जनक किसको माना जाता है? फ्रांसिस गाल्टन को माना जाता है, जिन्होंने पहली बार बुद्धि का अध्ययन करके, जिन्होंने पहली बार बुद्धि का अध्ययन करके, जिन्होंने पहली बार बुद्धि का अध्ययन करके अपनी पुस्तक हेरिडिटरी जीनियस, हेरिडिटरी हेरिडिटरी जीनियस जिन्होंने पहली बार अपनी पुस्तक हेरिडिटरी जीनियस में यह बताया कि ठीक है, हेरिडिटरी जीनियस में हेरिडिटरी जीनियस में यह बताया कि बुद्धि दो लोगों में बराबर नहीं होती है। तो बुद्धि दो लोगों में बराबर नहीं होती है, ठीक है, होती है। उन्होंने इसके लिए पहली बार निर्धारण मापनी, इसको बोलते हैं क्या, रेटिंग स्केल, निर्धारण मापनी। उन्होंने इसके लिए पहली बार निर्धारण मापनी रेटिंग स्केल का क्या किया
प्रयोग किया, रेटिंग स्केल का प्रयोग किया। ठीक भैया, तो ये अब शायद बच्चे आ गए हैं, यास्मीन आ गए हैं, शिवानी आ गए हैं, सादिया बानो, यास्मीन बानो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक। तो आपका देखिएगा यहाँ जो टॉपिक है वैयक्तिक विभिन्नता के अध्ययन के जो जनक माने गए हैं, फ्रांसिस गॉल्टन को माना जाता है, जिन्होंने पहली बार बुद्ध का अध्ययन करके अपनी पुस्तक, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, हेरिडिटरी जीनियस में यह बताया कि बुद्धि दो लोगों में बराबर जो है क्या नहीं होती है। उन्होंने इसके लिए पहली बार निर्धारण मापनी का क्या किया है, प्रयोग किया है, ठीक है, ठीक। निर्धारण मापनी का क्या किया है, प्रयोग किया है, ठीक है। अब देखिएगा, अब यहाँ जो है, ठीक है, और सारी चीज़ आइए वैयक्तिक विभिन्नता पे और हम बात करते हैं। दो लोग समान नहीं हो सकते, ठीक है। यहाँ जो है दूसरा पॉइंट हम लोग लेते हैं, दो लोग समान, दो लोग समान नहीं हो सकते, दो लोग समान नहीं हो सकते, कुछ ना कुछ शारीरिक, कुछ ना कुछ शारीरिक मानसिक अंतर जरूर पाए जाएंगे, शारीरिक मानसिक अंतर जरूर पाए जाएंगे, चाहे वे जुड़वा बच्चे ही क्यों ना हो, चाहे वे जुड़वा बच्चे ही क्यों ना हो। इन्हीं अंतरों को वैयक्तिक विभिन्नता कहते हैं, इन्हीं अंतरों को वैयक्तिक विभिन्नता कहते हैं, ठीक है। शिखा सिंह गुड मॉर्निंग, ठीक है। यास्मीन बानो, ठीक। तो सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, ठीक है। क्लास में आइए सबको, अनामिका शुक्ला भी आ गए हैं, शानुमा भी, सबको गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ कहा जा रहा है वैयक्तिक विभिन्नता से क्या तात्पर्य है, वैयक्तिक विभिन्नता किसे कहते हैं। तो देखिएगा, दो लोग जो है क्या समान नहीं हो सकते हैं, कुछ ना कुछ शारीरिक मानसिक अंतर जरूर मतलब पाए जाएंगे, चाहे वह जुड़वा बच्चे ही क्यों ना हो। इन्हीं अंतरों को क्या कहा जाता है वैयक्तिक विभिन्नता कहा जाता है। तो वैयक्तिक विभेद से तात्पर्य जो आपका होगा, तो शारीरिक जो है, यानी कि आपका रंग रूप, शारीरिक गठन, बुद्धि, रुचि, क्षमता, स्वभाव, व्यक्तित्व आदि गुणों में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना जो है क्या है, वो वैयक्तिक विभेद है, या जो है क्या उसे हम व्यक्तिगत विभिन्नता या जो है क्या वैयक्तिक विभिन्नता कहते हैं। तो कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते। तो कोई भी दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते, इन्हीं को क्या कहते हैं, वैयक्तिक विभेद कहते हैं, ठीक है। समा परवीन भी, पी वर्मा,
अर्चना विश्वकर्मा, सबको गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो संसार में कोई भी दो व्यक्ति पूर्ण रूपेण एक दूसरे के समान नहीं होते हैं, व्यक्ति में परस्पर कुछ ना कुछ अंतर अवश्य होता है, यहाँ तक कि एक ही माता पिता की संतानों में भी रंग रूप, शारीरिक गठन, बुद्धि रुचि आदि में स्पष्ट रूप से क्या होती है, स्पष्ट रूप से क्या होती है, भिन्नता होती है। यही आपका क्या है, वैयक्तिक विभिन्नता, यही आपका क्या है, वैयक्तिक विभिन्नता। ठीक भैया, तो ये आपका, ये टॉपिक आपका हो जाता है, इसको आप लोग समझ लिए हैं। ठीक है, आगे की क्लास में जो है, आगे की क्लास में हम लोग आते हैं, आगे आपका जो टॉपिक है उस पर आते हैं। यहाँ जो है वैयक्तिक विभिन्नता की परिभाषा, ठीक है, तो टॉपिक आपका वैयक्तिक विभिन्नता की परिभाषा। ये आपका सुपर टेट का सिलेबस का पाठ्यक्रम है। पिछले साल भी यहाँ से एक क्वेश्चन आया था, तो हमेशा यहाँ से क्वेश्चन आने का चांस रहेगा। ठीक है, तो देखिएगा, यहाँ दो तीन परिभाषा हैं जो आपकी जो है बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है। एक आपकी जो है किसकी है, टायलर की बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है वैयक्तिक विभिन्नता में, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर। ठीक है, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर एक सार्वभौमिक घटना। तो एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है। ये किसकी परिभाषा है, ये आपकी टायलर की है। किसकी है, टायलर की है। ठीक है, उसके बाद जो है दूसरी परिभाषा जो आपकी महत्वपूर्ण है, स्किनर ने वैयक्तिक विभिन्नता पे तीन चार परिभाषा दिया है। स्किनर ने वैयक्तिक विभिन्नता पे कितनी, लगभग तीन चार परिभाषा दिए हैं। तो वैयक्तिक विभिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का वैयक्तिक विभिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का, ठीक है, कोई भी ऐसा पहलू, इसी को हम पक्ष कह सकते हैं, कोई भी ऐसा पहलू शामिल हो सकता है जिसका मापन किया जा सकता है। ये भी आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्किनर की ये परिभाषा काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वैयक्तिक विभिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का, ठीक है, माने कि कोई भी ऐसा पहलू या पक्ष शामिल हो सकता है जिसका मापन किया जा सके। ठीक है, इसी को दूसरी तरह से भी आपसे पूछ लेंगे कि मापन किया जाने वाला प्रत्येक पहलू वैयक्तिक विभिन्नता का क्या है, अंश है। तो मापन किया जाने वाला प्रत्येक पहलू वैयक्तिक विभिन्नता का अंश है, या भी कथन किसका है, स्किनर का है। हाँ जी, किसका है, ठीक है। हाँ, माइक तो लगी है बेटा, माइक लगी है, क्या आवाज नहीं जा रही है, आवाज में कोई दिक्कत है। ठीक, उसके बाद जो है एक आपका जो है
हम ड्राइवर की बता देते हैं आपको। एक जो है क्या, ड्राइवर की परिभाषा बता देते हैं। एक व्यक्ति अपने समूह के, एक व्यक्ति अपने, एक व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक और मानसिक, एक व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक और मानसिक गुणों के, शारीरिक और मानसिक गुणों के औसत से जो भिन्नताएं रखता है उसे वैयक्तिक भिन्नता, उसे क्या, वैयक्तिक भिन्नता कहते हैं। ठीक भैया, तो ये भी परिभाषा देखिएगा कि एक व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक और मानसिक गुणों के औसत से जो भी भिन्नताएं रखता है उसे क्या कहते हैं वैयक्तिक भिन्नता कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, वैयक्तिक भिन्नता कहते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ जो है, यहाँ आपकी ये तीन चार परिभाषा हो जाती है, ठीक है, तो यहाँ आपकी तीन चार परिभाषा हो जाती हैं, ठीक है। अगला हम परिभाषा ले रहे हैं, आपसे पूछते हैं, आप बताइएगा, आप लोगों से पूछते हैं, आप लोग बताइएगा, ठीक है। ठीक, तो बालकों की विभिन्नताओं के चाहे जो भी कारण हों, ठीक है, बालकों के विभिन्नताओं के, बालकों के विभिन्नताओं के चाहे जो भी कारण हो, तो बालकों के विभिन्नताओं के चाहे जो भी कारण हो, वास्तविकता यह है कि, वास्तविकता यह है कि विद्यालय को विभिन्न पाठ्यक्रमों द्वारा उनका सामना करना चाहिए, विद्यालय को विभिन्न पाठ्यक्रमों द्वारा उनका सामना करना चाहिए, यह कथन है। जल्दी से आप लोग बता दीजिएगा कि बालकों की विभिन्नताओं के चाहे जो भी कारण हो, ठीक है, अब इसको आप लोग बताइए कि बालकों के विभिन्नताओं के चाहे जो भी कारण हो, वास्तविकता, ठीक है, यह है कि बालकों के विभिन्नताओं के चाहे जो भी कारण हो, वास्तविकता यह है कि विद्यालय को विभिन्न पाठ्यक्रमों द्वारा जो है क्या, उनका सामना करना चाहिए। ठीक है, क्या बच्चा कोई बता रहा है, जल्दी से बताइए। तो ये आपका जो है, हाँ ठीक है, अर्चना विश्वकर्मा, आप जो है जेम्स ड्राइवर डाल रहे हो, क्लियर करिएगा, आंसर एक बार क्लियर करिएगा कि बालकों के विभिन्नताओं के चाहे जो भी कारण हो, वास्तविकता यह है कि विद्यालय को विभिन्न पाठ्यक्रमों द्वारा उनका जो है क्या, सामना करना चाहिए। ठीक है।
ठीक। तो अब इसको बताइए, इसको बताइए, अच्छा जिन बालकों को, जिन बालकों को कम दिखाई देता है, जिन बालकों को क्या कम दिखाई देता है, ठीक, या सुनाई देता है, या सुनाई देता है, उन्हें ठीक है, तो जिन बालकों को कम दिखाई देता है या सुनाई देता है, उन्हें कक्षा में सबसे आगे बैठाया जाना चाहिए, सबसे आगे बैठाया जाना क्या चाहिए, ठीक है। कह रहे हैं कि जिन बालकों को कम दिखाई देता है या सुनाई देता है, उन्हें कक्षा में सबसे आगे बैठाया जाना चाहिए, ठीक है। यह सुझाव किस मनोवैज्ञानिक ने वैयक्तिक विभिन्नता के संदर्भ में प्रस्तुत किया है, तो यह सुझाव किस मनोवैज्ञानिक ने वैयक्तिक विभिन्नता के संदर्भ में यह जो है यह विचार जल्दी से बताइए यह भी ठीक है जल्दी से बताइए आप लोग ठीक है सेकंड सिनर स्किनर का है, ठीक है। हाँ जी सिखा, ये बिल्कुल सही है आपका, स्किनर का है, ठीक है। और इसके पहले वाला भी जो है आप लोग ये जान जाइए, ये आपका जो है बालकों के विभिन्नताओं के चाहे जो भी कारण हो, वास्तविकता यह है कि विद्यालय को विभिन्न पाठ्यक्रमों द्वारा उनका सामना करना चाहिए। परिभाषा किसकी है स्किनर की है। अब यहाँ बच्चों आइए, जिन बालकों को देखिएगा कम दिखाई देता है या सुनाई देता है, कम दिखाई देता है या सुनाई देता है, उन्हें कक्षा में सबसे आगे बैठाया जाना चाहिए, ठीक है। तो बैठाया जाना चाहिए, यह सुझाव किस मनोवैज्ञानिक ने वैयक्तिक विभिन्नता के संदर्भ में प्रस्तुत किया है, तो जो है ऑप्शन मत लीजिए अभी, तो इसका भी जो है कौन है स्किनर है, इसके भी कौन है स्किनर है, ठीक है। अब आप लोग जान गए, ठीक भैया, तो ये हो जाता है, ठीक। तो सब लोग समझ गए, तो जिन बालकों को कम दिखाई देता है या सुनाई देता है, उन्हें कक्षा में सबसे आगे बैठाया जाना चाहिए, ये भी परिभाषा किसकी है स्किनर की है, ठीक है। तो अब आगे जो है अगला जो आपका वैयक्तिक विभिन्नता के प्रकार, ठीक है, वैयक्तिक विभिन्नता के प्रकार, टॉपिक आपका है वैयक्तिक विभिन्नता के प्रकार, ठीक है। तो वैयक्तिक विभिन्नता के प्रकार में आप बताइएगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखिएगा वैयक्तिक विभिन्नता के प्रकार में, अब आप बताइए, तो यहाँ वैयक्तिक विभिन्नता के प्रकार में जो है, ठीक है, यहाँ आपका जो है क्या शारीरिक, ठीक, उसके बाद जो है क्या मानसिक, ठीक, उसके बाद जो है क्या संवेगात्मक,
और क्या व्यक्तित्व। तो शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया, और उसके बाद जो है क्या संवेगात्मक हो गया, और क्या आपका हो गया, और आपका क्या हो गया, और आपका जो है व्यक्तित्व में विभिन्नता। ठीक है, व्यक्तित्व में विभिन्नता, ये आपका इतना टॉपिक हो जाता है। ठीक, हाँ, यास्मीन बानो 3। ठीक है, तो मुख्य रूप से शिवानी गुप्ता 5 प्रकार, शिखा सिंह, ठीक है, ठीक है, हाँ, कमेंट लेट जाता है बेटा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये आपका जो है वैयक्तिक विभिन्नता के प्रकार में, वैयक्तिक विभिन्नता के प्रकार में यहाँ देखिएगा, एक जो है आपका शारीरिक विभिन्नता, एक आपका मानसिक विभिन्नता, एक आपका संवेगात्मक विभिन्नता, और एक जो है आपका जो है क्या व्यक्तित्व में विभिन्नता, क्या कुसुमती 5, ठीक है, व्यक्तित्व में विभिन्नता। ठीक है, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि कितने प्रकार का होता है, आप जानते रहिए। ठीक है, तो अब जो है आप जो है पहला जो है, पहला जो है हम लोग लेते हैं क्या शारीरिक जो है, पहला क्या शारीरिक विभिन्नता। ठीक है, पहला क्या शारीरिक विभिन्नता, जो पहला टॉपिक है वो क्या है शारीरिक विभिन्नता है। ठीक है, तो शारीरिक विभिन्नता, तो यहाँ देखिएगा शारीरिक विभिन्नता में हम लोग ये कह सकते हैं कि लंबाई, वजन या शरीर रचना में, ठीक, लंबाई, लंबाई, वजन या लंबाई, वजन या क्या शरीर रचना में, शरीर रचना में पाए जाने वाले, शरीर रचना में पाए जाने वाले क्या अंतर। ठीक है, तो लंबाई हो गया, वजन हो गया, और उसके बाद क्या देखिएगा लंबाई, वजन या शरीर रचना में पाए जाने वाले अंतर क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है क्या हो जाता है शारीरिक विभिन्नता हो जाती है। ठीक है, तो विभिन्न व्यक्ति, और भी आप ध्यान से सुन लीजिए लेक्चर को, विभिन्न व्यक्ति जो होते हैं वो रंग रूप हुआ, शारीरिक गठन हुआ, लंबाई चौड़ाई हुआ, भार हुआ, लिंग भेद हुआ, आदि में भी क्या होते हैं भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे कुछ व्यक्ति क्या होते हैं लंबे होते हैं, कुछ जो है क्या औसत लंबाई के होते हैं, तथा जो है कुछ क्या ठिगने कद के होते हैं। इसी प्रकार से कुछ व्यक्ति मोटे होते हैं तथा कुछ व्यक्ति क्या होते हैं दुबले होते हैं, कुछ व्यक्ति जो है क्या गोरे होते हैं, और कुछ व्यक्ति जो है क्या माने कि काले होते हैं, कुछ व्यक्ति कुरूप होते हैं, जबकि कुछ व्यक्ति जो है क्या होते हैं सुंदर होते हैं। तो ये आपका जो है क्या हो जाता है शारीरिक विभिन्नता हो जाता है, ये आपका क्या हो जाता है शारीरिक विभिन्नता हो जाता है भैया, क्या हो जाता है शारीरिक विभिन्नता हो जाता है। दूसरा हम लोग ले लेते हैं, दूसरा हम लोग ले लेते हैं क्या, दूसरा जो है आपका क्या मानसिक विभिन्नता, दूसरा आपका क्या मानसिक विभिन्नता, दूसरा क्या आपका जो है मानसिक विभिन्नता। ठीक है, तो जैसे बुद्धि, ठीक है, बुद्धि, बुद्धि, तर्क शक्ति, बुद्धि, तर्क शक्ति, और उसके बाद जो है क्या ग्रहण शक्ति, बुद्धि, तर्क शक्ति, और उसके बाद जो है क्या ग्रहण शक्ति, कल्पना, कल्पना, चिंतन, कल्पना, चिंतन इत्यादि में, चिंतन इत्यादि में, इत्यादि में पाए जाने वाले, इत्यादि में पाए जाने वाले क्या अंतर, इत्यादि में पाए जाने वाले अंतर। ठीक है, तो यहां देखिएगा यानी कि जो आपका, जो आपका है जैसे बुद्धि हो गई, तर्क शक्ति हो गई, ग्रहण शक्ति हो गई, ठीक है, उसके बाद जो है आपका जो है कल्पना हो गया, और क्या आपका चिंतन हो गया, इत्यादि में पाए जाने वाले अंतर। ठीक है,
तो बुद्धि, रुचि, स्मरण शक्ति जैसे मानसिक गुणों में व्यक्तियों में जो है क्या भेद पाया जाता है, व्यक्तियों में क्या भेद पाया जाता है। नेट नहीं चल रहा है क्या? हाँ चल रहा है, तब काहे नहीं आ रहा है? जरा इसको देखिए, ठीक है। तो बुद्धि हो गई, रुचि हो गया, स्मरण शक्ति हो गई जैसे मानसिक गुणों में व्यक्तियों में जो है क्या भेद पाया जाता है, व्यक्तियों में जो है क्या भेद पाया जाता है। जैसे कुछ व्यक्ति क्या होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं, जबकि कुछ व्यक्ति क्या होते हैं, मूर्ख होते हैं। कुछ व्यक्ति जो है क्या होते हैं, मूर्ख होते हैं, ठीक है। कुछ व्यक्ति मूर्ख होते हैं, कुछ बालक जो है क्या पढ़ने में तेज होते हैं, और जबकि कुछ बालक जो है क्या खेलने में तेज होते हैं। जैसे कुछ बालक जो है जो नई बातें होती हैं, तो कुछ बालक नवीन बातों को बड़ी ही जल्दी अर्थात शीघ्रता से सीख लेते हैं, जबकि कुछ बालक नवीन बातों को सीखने में क्या करते हैं, कठिनाई का अनुभव करते हैं। और इसी प्रकार से कुछ बालक एक बार सुनी बात को दीर्घकाल तक स्मरण रख लेते हैं, जबकि कुछ बालक बातों को जो है क्या, जबकि कुछ बालक जो है बातों को शीघ्र भूल जाते हैं। तो ये आपका कैसा हो जाता है, ये आपका जो है क्या हो जाता है, मानसिक विभिन्नता हो जाता है, ठीक है। कैसा हो जाता है, मानसिक विभिन्नता हो जाता है। अब आपका यहाँ जो तीसरा होता है, जो आपका तीसरा हम बताने चल रहे हैं, वो आपका क्या है, संवेगात्मक विभिन्नता। संवेगात्मक जो है क्या विभिन्नता, संवेगात्मक जो है क्या विभिन्नता, ठीक है। अब यहाँ संवेगात्मक विभिन्नता में क्या है, देखिएगा, किसी व्यक्ति में क्रोध, संवेग क्या है, क्रोध है, प्रेम क्या है, क्रोध है, पीड़ा क्या है, क्रोध है, ओ सॉरी, संवेग है, ईर्ष्या क्या है, संवेग है, दया क्या है, संवेग है। तो किसी में क्रोध तो किसी में क्या होती है, दया होती है, ठीक है। तो किसी में क्रोध तो किसी में क्या होती है, किसी में दया होती है, किसी में क्या होती है, दया होती है, ठीक भैया। तो संवेगात्मक जो अंतर होता है, विभिन्नता होता है, कोई दयालु प्रवृत्ति का होता है, कोई सालु प्रवृत्ति का होता है, कोई करुणा से भरा होता है, कोई क्रोध से भरा होता है, ठीक है। तो किसी व्यक्ति में क्रोध पाया जाता है, किसी में दया पाई जाती है, ठीक है। तो ये आपका होता है, ठीक है, हाँ जल्दी से, हाँ ठीक है। तो ये हो जाता है। उसके बाद जो है, जो चौथा आपका आता है, चौथा आपका आता है वो क्या, व्यक्तित्व में विभिन्नता, ठीक है। तो व्यक्तित्व में जो है क्या, व्यक्तित्व में विभिन्नता, भैया ये आपका चौथा जो है आपका क्या है, चौथा आपका जो है क्या है, व्यक्तित्व में विभिन्नता। व्यक्तित्व में विभिन्नता देखिएगा, कोई अत्यंत क्या होता है, मिलनसार, ठीक है। तो इनका जो व्यक्तित्व है क्या है, मिलनसार का है। कोई अत्यंत मिलनसार तो कोई एकांत प्रिय होता है, तो कोई क्या होता है, तो कोई एकांत प्रिय होता है, तो कोई एकांत प्रिय होता है, ठीक। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा इसी में ले लीजिए, तो कोई अत्यंत जो है क्या मिलनसार, तो कोई जो है क्या होता है, एकांत प्रिय होता है, या उस व्यक्ति का क्या हो जाता है, यह उस व्यक्ति का क्या हो जाता है, व्यक्तित्व हो जाता है, ठीक है। यह उस व्यक्ति का क्या हो जाता है, व्यक्तित्व हो जाता है, ठीक है। यह उस व्यक्ति का क्या हो जाता है, ठीक है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंडिविजुअल डिफरेंसेस, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तो कुछ जो है व्यक्ति
कुछ व्यक्ति क्या होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, कुछ व्यक्ति अंतर्मुखी होते हैं, जबकि कुछ व्यक्ति क्या होते हैं, बहिर्मुखी होते हैं। ठीक है, बहिर्मुखी होते हैं। ठीक भैया, तो कुछ व्यक्ति अंतर्मुखी होते हैं और कुछ व्यक्ति जो है क्या बहिर्मुखी होते हैं। कुछ व्यक्ति जो है क्या आपके नम्र, जो उनका जो स्वभाव होता है, जो हैबिट्स होती है, आदत होती है, तो कुछ व्यक्ति जो है क्या होते हैं, नम्र स्वभाव के होते हैं, जबकि कुछ व्यक्ति जो है क्या होते हैं, उग्र स्वभाव के होते हैं। कुछ व्यक्ति जो है हंसमुख व जो है क्या प्रसन्न चिन्ह होते हैं, जबकि कुछ व्यक्ति जो है क्या उदार व कठोर होते हैं, जबकि कुछ व्यक्ति जो है क्या उदार व कठोर होते हैं। ठीक है, हाँ, उभयमुखी होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ जो है आपका जो है, ठीक, तो यहाँ भैया आपका जो है वैयक्तिक विभिन्नता के प्रकार में आप जो है, यानी कि जो को दुनिया का कोई भी व्यक्ति जो है एक दूसरे से समान नहीं होता है, कुछ ना कुछ अंतर अवश्य पाए जाते हैं, वो भले ही जुड़वा ही बच्चे क्यों ना हो, तो ये किस तरह से पाए जाते हैं। ठीक है, तो यही आपका शारीरिक विभिन्नता हो जाती है, मानसिक विभिन्नता हो जाती है, संवेगात्मक विभिन्नता हो जाती है, और व्यक्तित्व तो संबंधी विभिन्नताएँ हो जाती हैं, जिनके आधार पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जो है कुछ ना कुछ क्या करता है, कुछ ना कुछ जो है क्या अंतर रखता है। यही आपका क्या है, टाइप्स ऑफ जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। ठीक है, हाँ, कमेंट में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है, वीडियो रिप्लेस करना हाँ पढ़ रहा है बार बार। ठीक है, हाँ, ठीक, कोई बात नहीं बेटा, पढ़ते रहिए, हम पढ़ाते रहते हैं, अगर कमेंट नहीं चल पा रहा है तब भी। ठीक है, तो अब ये आपका हो जाता है व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार में। आगे का टॉपिक लेते हैं, इसमें जो आपका अगला टॉपिक है वैयक्तिक विभेद के कारण। ठीक है, या वैयक्तिक विभिन्नता के कारण। ठीक है, ये आपका वैयक्तिक विभिन्नता के जो है क्या कारण। ठीक, वैयक्तिक विभिन्नता के क्या कारण, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका पिछले साल यहीं से आपसे वैयक्तिक विभिन्नता के कारण से पूछ लिया था, तो हम जो है आपका यहाँ जो है हम पहला ले रहे हैं, पहला आपका वंशानुक्रम है। ठीक है, तो वंशानुक्रम, ठीक, पहला जो है आपका क्या है वंशानुक्रम। तो वैयक्तिक विभिन्नता का जो सबसे महत्वपूर्ण आधार माना जाता है, ठीक है, वो आपका क्या माना जाता है, आपका जो है वंशानुक्रम माना जाता है। तो ये तीन नाम याद रखिएगा, गाल्टन, ठीक है, और जो है क्या पियर्सन, और जो क्या है टर्मैन। ठीक है, तो गाल्टन पियर्सन टर्मैन ने माने कि वैयक्तिक विभिन्नता का जो है एक प्रमुख कारण जो है वैयक्तिक विभिन्नता का एक प्रमुख कारण किसको माना है, वंशानुक्रम को माना है। ठीक है, तो वंशानुक्रम यानी कि वैयक्तिक विभिन्नता का आधार वंशानुक्रम होता है। यह कौन कौन कह रहे हैं, गाल्टन कह रहे हैं, पियर्सन कह रहे हैं, और कौन कह रहा है टर्मैन कह रहे हैं। ठीक है, और कौन कह रहा है टर्मैन कह रहे हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो जुड़वा बच्चों में भी जो है वंशानुक्रम समान नहीं होता है, अर्थात वंशानुक्रम वैयक्तिक विभिन्नता का सबसे बड़ा कारण है। वंशानुक्रम जो है आपका वैयक्तिक विभिन्नता का जो है क्या है सबसे बड़ा कारण है। ठीक है, तो सारे पॉइंट लिख नहीं रहा हूं, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा कि जुड़वा बच्चों में भी वंशानुक्रम समान नहीं होता है, अर्थात वंशानुक्रम वैयक्तिक विभिन्नता का सबसे बड़ा कारण है। तो वैयक्तिक विभिन्नता का, ठीक है, वैयक्तिक
वैयक्तिक विभिन्नता का जो है क्या सबसे बड़ा कारण, वैयक्तिक विभिन्नता का जो है क्या सबसे बड़ा कारण कौन है, ठीक, ये आपका जो है कौन है, वंशानुक्रम है। दूसरा देखिए, दूसरा आपका जो है, दूसरा हम ले लेते हैं, दूसरा ले लेते हैं क्या, वातावरण ले लेते हैं, ठीक है, दूसरा क्या, वातावरण, ठीक है। तो ठंडे प्रदेशों के लोग जो है, जो ठंडा प्रदेश होता है, तो ठंडे प्रदेशों के लोग जो है क्या सक्रिय और जो है क्या ऊर्जावान होते हैं, जबकि उष्ण कटिबंधीय वातावरण में रहने वाले लोग सुस्त एवं जो है क्या आलसी होते हैं, सुस्त एवं जो है क्या होते हैं, आलसी होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति जिस प्रकार के वातावरण में रहता है, उसी के अनुरूप जो है उसका शारीरिक मानसिक संवेगात्मक तथा जो है क्या चारित्रिक विकास होता है, ठीक है, ठीक है, क्या होता है, चारित्रिक विकास होता है, ठीक। उसके बाद जो है, ठीक, उसके बाद जो तीसरा आपका है, वो क्या है, भाषा है। तीसरा आपका क्या है, भाषा है। तो दुनिया में लोग अनेक भाषाएं बोलते हैं, ठीक है, तो दुनिया में लोग अनेक जो है क्या भाषाएं बोलते हैं, ठीक है, दुनिया में लोग अनेक भाषाएं बोलते हैं, ठीक है। तो इस आधार पर भी जो है वैयक्तिक विभिन्नता का एक कारण जो है आपका क्या हो जाता है, भाषा भी हो जाता है, ठीक है, लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, जैसे आपका जो चौथा है, चौथा आप जैसे धर्म ले लीजिए, ठीक है, धर्म देखिएगा, अलग अलग धर्मों में जैसे शादी विवाह हुआ, ठीक है, शादी विवाह हुआ और अंतिम संस्कार हुआ, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अलग अलग धर्मों में शादी विवाह, अलग अलग धर्मों में शादी विवाह या अंतिम संस्कार के जो रिवाज होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो इस आधार पर जो है धर्म भी आपके वैयक्तिक विभिन्नता का क्या हो जाता है, एक कारण हो जाता है। तो अलग अलग धर्मों में शादी विवाह या अंतिम संस्कार के रिवाज जो है क्या हैं, अलग हैं, ठीक है। उसके बाद जो है, जो आपका जो पांचवा है, हम उसको जो है क्या कह देते हैं, रुचि कह देते हैं, ठीक है। तो अलग अलग जो है लोगों की रुचियां भी क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। तो अलग अलग लोगों की रुचियां भी क्या होती हैं, अलग होती हैं, ठीक है। उसके बाद जो है, जो छठवां है, छठवां आपका हम जो है क्या शिक्षा का मान लेते हैं। शिक्षा देखिएगा, साहित्य, लिटरेचर और साइंस, साहित्य और जो है क्या विज्ञान की शिक्षा में काफ़ी क्या होता है, अंतर होता है। तो साहित्य और विज्ञान की शिक्षा में क्या होता है, अंतर होता है। तो इसलिए वैयक्तिक विभिन्नता का कारण जो है आपका क्या है, शिक्षा भी होता है, ठीक। उसके बाद जो है व्यवसाय ले लेते हैं, जो सातवां पॉइंट है आपका, सातवां आपका जो अंतर है, ठीक है, कारण है व्यवसाय। तो अलग अलग व्यवसाय के लोगों में भिन्नता पाई जाती है, ठीक है। और जो आठवां है, आठवां जो है आपका क्या है, वो आपका उम्र है, ठीक है, आठवां आपका क्या है, उम्र है। तो एक शिशु की यानी कि हम लोगों की और एक बच्चे की, तो माने कि उम्र के कारण ढेर सारे जो है क्या होते हैं, अंतर होते हैं। तो एक शिशु की और एक वयस्क में उम्र के कारण बहुत सारे जो है क्या होते हैं, अंतर होते हैं। तो ये आपका जो है यहाँ ये हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है हम जो है नौवां बता देते हैं, नौवां जो है आपका जो है ये आपका क्या कहलाता है, लिंग भेद, ठीक है। नौवां आपका जो है क्या लिंग भेद होता है, ठीक है। तो स्त्री पुरुष जो आपका मेल एंड फीमेल की जो स्वभाव एवं शरीर रचना में जो है क्या अंतर पाया जाता है। तो स्त्री पुरुष के स्वभाव एवं शरीर रचना यानी कि जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, इसमें क्या होता है, अंतर पाया जाता है। तो बालक कठोर साहसी होते हैं, जबकि बालिकाएं प्रायः जो है कोमल, दयालु अर्थात जो है क्या लज्जाशील होती हैं, ठीक है। तो ये आपका नवा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका जो है
दसवां आप ले लीजिए, दसवां आपका जो है क्या हो जाता है, बुद्धि हो जाता है। तो बुद्धि हो जाता है तो गाल्टन आदि के अध्ययन से सिद्ध हो गया है कि बुद्धि दो लोगों में जो है क्या बराबर नहीं होती है। ठीक है, तो बुद्धि दो लोगों में यहाँ जो है आपका जो है गाल्टन सा हो जाएगा। ठीक है, तो गाल्टन के सिद्धांतों से, गाल्टन की खोजों से, ठीक है, तो गाल्टन के अध्ययन से यह सिद्ध हो गया है कि बुद्धि जो है दो लोगों में बराबर नहीं होती है। ठीक है, तो बुद्धि, बुद्धि जो है क्या दो लोगों में, बुद्धि दो लोगों में जो है क्या बराबर, बुद्धि दो लोगों में बराबर नहीं होती है। ठीक है, तो बुद्धि दो लोगों में क्या बराबर नहीं होती है। तो गाल्टन ने यह सिद्ध किया है कि बुद्धि लोगों में, दो लोगों में, बुद्धि का पहला अध्ययन किसने किया है, बुद्धि का पहला अध्ययन किसने किया है जल्दी से बता दीजिए, बुद्धि का पहला अध्ययन किसने किया था। तो हम आपको बता चुके हैं, बुद्धि का पहला अध्ययन जो है वो आपके जो है कौन, फ्रांसिस गाल्टन साहब ने किया था। बुद्धि का पहला अध्ययन जो है किसने किया था, फ्रांसिस गाल्टन साहब ने किया था। तो गाल्टन आदि के अध्ययन से यह सिद्ध हो गया है कि बुद्धि दो लोगों में समान नहीं होती है। तो बुद्धि के कारण, यानी कि जो बुद्धि भेद होता है, तो बुद्धि भेद के कारण व्यक्ति की जो आपका जो बुद्धि भेद है, तो बुद्धि भेद के कारण व्यक्ति की जो है क्या शैक्षिक तथा व्यावसायिक उपलब्धियों में, बुद्धि भेद के कारण व्यक्ति के शैक्षिक तथा व्यावसायिक उपलब्धियों में पर्याप्त जो है क्या अंतर आ जाता है। ठीक है, पर्याप्त अंतर आ जाता है। ठीक, तो आपका जो है ग्यारहवां जो है, ग्यारहवां है आपका क्या ग्रहण शक्ति, ग्यारहवां जो है क्या है आपका ग्रहण शक्ति है। ठीक है, ग्रहण शक्ति। अब देखिए, मैंने जो है अब कोई प्रश्न आपको बोल दिया, तो एक ही प्रश्न को समझने में विद्यार्थी जो है क्या अलग अलग समय लेते हैं। ठीक है, हाँ देखिए, यहाँ जैसे तीन लोगों का, शिखा का आ गया है, यास्मीन बानो का आ गया है, शादिया बानो का आ गया, अर्चना विश्वकर्मा का आ गया। इन लोगों ने, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि बुद्ध का पहले अध्ययन किसने किया है, इन लोगों ने बता दिया क्या, गाल्टन बता दिया। हो सकता है कुछ लोगों को बाद में थोड़ी देर बाद याद आए। तो एक ही प्रश्न को समझने में विद्यार्थी जो है क्या अलग अलग समय लेते हैं। तो एक ही प्रश्न को समझने में विद्यार्थी जो है क्या अलग अलग समय लेते हैं, वही क्या है, ग्रहण शक्ति है। तो एक ही प्रश्न को समझने में विद्यार्थी अलग अलग समय लेते हैं। ठीक है, तो यह हो गया। उसके बाद जो है बारहवां जो आपका हो जाता है, बारहवां जो होता है आपका, वो क्या होता है, अधिगम होता है। बारहवां क्या होता है, अधिगम होता है। तो अधिगम का स्तर एवं निपुणता, यानी कि जो सीखने का स्तर होता है और निपुणता होता है, वो दो लोगों में क्या होती है, अलग अलग होती है। कोई किसी चीज को बहुत जल्दी सीख जाता है, जबकि उसी चीज को कोई दूसरा बच्चा जो है काफी देर में सीख पाता है या बहुत धीमा सीख पाता है। तो अधिगम का जो लेवल ऑफ जो है लर्निंग है और जो उसकी निपुणता है, दो लोगों में जो है क्या होती है, अलग अलग होती है। दो लोगों में क्या होती है, अलग अलग होती है। और जो तेरहवां है जो, इसे हम बोलते हैं क्या, संस्कृति। ठीक है, इसे जो हम बोलते हैं क्या, संस्कृत बोलते हैं, इसको हम जो है क्या कल्चर बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कल्चर बोलते हैं। ठीक है, सुपरटेट 2019 में यहां से क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो यहां एक नाम है मार्गरेट। ठीक है, मार्गरेट जो है क्या रीड। ठीक है, मार्गरेट रीड, इनको याद कर लीजिएगा। जैसे एशियाई या जो है, जो अफ्रीकी देश हैं, हाँ कल्चर को ध्यान रखिएगा, एशियाई या अफ्रीकी देशों की रूढ़वादी संस्कृति के कारण पश्चिमी देशों की अपेक्षा वैज्ञानिक प्रगति की जो है क्या हुई है, धीमी हुई है। ठीक है, तो ये अमेरिका के थे जो मार्गरेट रीड हैं, ये अमेरिकन महिला थी। ठीक है, ये अमेरिका की थी। ठीक है, कहाँ की थी,
अमेरिका की थी, इन्होंने वैयक्तिक विभिन्नता का प्रमुख कारण, ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सुपर टेट में, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि मार्गरेट रीड के अनुसार, मार्गरेट रीड के अनुसार वैयक्तिक विभिन्नता के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है, कारक है, तो आपसे पहला ऑप्शन दे दिया था जैविक दे दिया था, दूसरा जो है आपका मनोवैज्ञानिक दे दिया था, तीसरा जो है आपका सजाति दे दिया था, और जो चौथा दिया था वो क्या दिया था, सांस्कृतिक दिया था। तो संस्कृति का जो है किसने किया है, मार्गरेट रीड ने किया है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद जो है जो आपका जो है चौदहवा आ जाता है वो आपका क्या हो जाता है, स्वास्थ्य हो जाता है, ठीक है, स्वास्थ्य। तो यहां देखिएगा शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य के कारण भी व्यक्तियों में जो है क्या हो जाती है, भिन्नताएं हो जाती हैं। तो शारीरिक और मानसिक जो है स्वास्थ्य के कारण भी व्यक्तियों में जो है क्या हो जाता है, भिन्नताएं हो जाती हैं। उसके बाद जो है पंद्रहवा जो होता है वो आपका जो है क्या, राष्ट्रीयता ले लीजिए, नेशनलिटी। राष्ट्रीयता का मतलब देखिएगा, भारत में ज़्यादातर लोग जो हमारा इंडियन कंट्री है, तो भारत में ज़्यादा लोग सरकारी नौकरी को, जबकि अमेरिका में जो है क्या बिजनेस को वरीयता देते हैं। तो ये व्यक्तिगत विभिन्नता का जो है क्या बन जा रहा है, कारण बन जा रहा है, क्या बन जा रहा है, कारण बन जा रहा है, ठीक है। 16वां जो है आपका जो है ये आपका यहाँ से 2017 में यूपीटेट में 2017 में जो है पृष्ठभूमि को आप जो है ऐसे आप समझ लीजिएगा, इसको क्या कहेंगे, बैकग्राउंड ठीक। तो पृष्ठभूमि यहाँ जो है आपका क्या, बैकग्राउंड। तो देखिएगा जैसे सामाजिक आर्थिक शैक्षिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का, ठीक है, इसमें क्या क्या, सामाजिक उसके बाद जो है क्या आर्थिक शैक्षिक सांस्कृतिक, ठीक, ये हो गया। तो सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया, शैक्षिक हो गया, तथा सार्थक जो है, तथा आपका जो है क्या सांस्कृतिक। तो शैक्षिक आर्थिक सामाजिक आर्थिक शैक्षिक और जो है सांस्कृतिक जो है पृष्ठभूमि का व्यक्ति के विकास में जो है क्या महत्वपूर्ण स्थान रहता है। तो भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमियों में, जैसे भिन्न भिन्न के जो बैकग्राउंड्स होते हैं, तो भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमियों में जो पालन पोषण होता है, पालन पोषण होने पर बच्चों में जो है भिन्न भिन्न गुण जो होते हैं वो ढंग ढंग से क्या होते हैं, विकसित होते हैं, वो क्या होते हैं, ठीक है, सोशल कल्चर डिफरेंसेस, वेरी गुड, ठीक है, बैकग्राउंड, ठीक है। तो यहाँ सामाजिक आर्थिक शैक्षिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भी व्यक्ति के विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमियों में जो बच्चों का पालन पोषण होता है, तो बच्चों में विभिन्न गुण जो है भिन्न भिन्न ढंग से क्या होते हैं, विकसित होते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, वैयक्तिक विभिन्नता का कारण भी कहते हैं, ठीक है। 17वां ले रहे हैं जाति तथा प्रजाति, ठीक है, ठीक, इसको हम बोलते हैं कास्ट एंड रेस, ठीक है। तो देखिएगा जाति तथा प्रजाति जो है कास्ट मतलब जाति, रेस मतलब जो है क्या प्रजाति, ठीक है। तो कास्ट एंड रेस, तो भिन्न भिन्न जाति, भिन्न भिन्न जाति अथवा भिन्न भिन्न जाति के भिन्न भिन्न जाति अथवा भिन्न भिन्न प्रजाति के व्यक्ति परस्पर काफी क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। तो भिन्न भिन्न जाति तथा भिन्न भिन्न प्रजाति के व्यक्ति परस्पर काफ़ी क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, अर्थात एक ही वातावरण में, दूसरे रूप में हम कह सकते हैं एक ही वातावरण में रहने वाली अमेरिका की निग्रो एक प्रजाति है,
तो एक ही वातावरण में रहने वाली अमेरिका की निग्रो एवं श्वेत प्रजाति के लोगों में बौद्धिक अंतर पाया जाता है, यह किसने बताया है? यह क्लीन वर्ग एवं कार्ल पियर्सन के अध्ययन से साफ हो गया है। तो यहां जो है क्लीन वर्ग और जो है क्या कार्ल, ये नाम याद करिएगा, पियर्सन, ठीक है। तो जाति तथा प्रजात को कौन मानता है? क्लीन वर्ग एवं कार्ल पियर्सन। क्लीन वर्ग एवं जो है क्या कार्ल पियर्सन मानते हैं, ठीक है। और जो है यहां जो है एक पॉइंट आप 18वां जो है नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक है। तो अब देखिएगा यहां जो है आप लिख लीजिएगा, मनोवैज्ञानिक एडलर ने रचनात्मक शक्ति को वैयक्तिक विभिन्नता का प्रमुख कारण माना है। तो मनोवैज्ञानिक एडलर ने रचनात्मक शक्ति को वैयक्तिक विभिन्नता को वैयक्तिक विभिन्नता का प्रमुख कारण, ठीक है, दिख रहा है प्रमुख कारण, ठीक है, दिख रहा है भैया, ठीक, हाँ। तो यहां मनोवैज्ञानिक एडलर ने अब यहां आप जाइए, अब यहां ध्यान दीजिए, मनोवैज्ञानिक कौन है? एडलर ने रचनात्मक शक्ति, ठीक है, सबको दिख रहा है। तो मनोवैज्ञानिक एडलर ने रचनात्मक शक्ति को वैयक्तिक विभिन्नता का जो है क्या माना है? प्रमुख कारण माना है। वैयक्तिक विभिन्नता का क्या माना है? प्रमुख कारण माना है। तो रचनात्मक शक्ति को जो है वैयक्तिक विभिन्नता का क्या माना है? प्रमुख कारण माना है। वैयक्तिक विभिन्नता का क्या प्रमुख कारण माना है, ठीक है। हाँ, पियर्सन और जो है कौन, हाडी, ठीक है। ये आप लोग जान जाइए, ये भी आप लोग जान जाइएगा नोट करके कि मनोवैज्ञानिक। अब आते हैं एक बार पुनः टॉपिक पे आते हैं, जो आपका जो है पहला आपका क्या है, वंशानुक्रम है। यहाँ जो है गॉल्टन पियर्सन और जो है अकॉर्डिंग में याद करिएगा, पिछली बार यही पूछ लिया था, अकॉर्डिंग पूछा था ये, हाँ पिछली बार आपका सुपर टेट में आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा था, मार्गरेट रीड, ठीक है। मार्गरेट रीड एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थी, ठीक है। तो मीट की जो दिलचस्पी थी वह व्यक्ति पर पड़ने वाले सांस्कृतिक प्रभावों के अध्ययन पर थी। जो मार्गरेट रीड हैं इनकी जो, ठीक है, सॉरी जो है रीड नहीं है, ठीक है, सॉरी, ये मीड है, मार्गरेट मीड, ठीक है, मार्गरेट, थोड़ा सा इसको सुधार लीजिएगा, मार्गरेट मीड। तो मार्गरेट मीड जो है कि दिलचस्पी जो है व्यक्ति पर जो है पढ़ने वाले सांस्कृतिक प्रभावों के अध्ययन पर थी, ठीक। तो यहां देखिए वैयक्तिक विभिन्नता का जो सबसे बड़ा कारण, तो वैयक्तिक विभिन्नता का आधार क्या है, वैयक्तिक विभिन्नता का प्रमुख आधार आपसे पूछा जाए तो वह वंशानुक्रम है। गाल्टन, पियर्सन और टर्मन जैसे मनोवैज्ञानिक ने इसको बताया, ठीक है। अब दूसरा जो है आपका वातावरण, ठीक है। तो वातावरण यहां हो गया,
तीसरा जो है आपका भाषा हो गया। तो दुनिया में लोग अनेक जो है क्या भाषाएं बोलते हैं, ठीक है, और वातावरण ठंडे प्रदेशों के लोग जो है क्या सक्रिय और वारजावान होते हैं, जबकि उष्णकटिबंधीय प्रदेशों के लोग जो है सुस्त एवं आलसी होते हैं। तो व्यक्ति जिस प्रकार के वातावरण में रहता है उसी प्रकार से उसका शारीरिक मानसिक सामाजिक जो है क्या विकास होता है। तो दुनिया में लोग यहाँ जो है दुनिया में लोग अनेक भाषाएं बोलते हैं, जिस आधार पर जो है आपकी क्या भाषा भी व्यक्तिक विभिन्नता का क्या होता है कारण होता है, ठीक है। उसके बाद धर्म, अलग अलग धर्मों में, ठीक है, शादी विवाह तथा जो है क्या अंतिम संस्कार के जो रीति रिवाज होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो इस आधार पर आपका धर्म क्या हो गया। उसके बाद रुचि, तो अलग अलग रोगों की रुचियां भी क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। शिक्षा की बात कहा जाए तो साहित्य और विज्ञान की शिक्षा में क्या होता है, काफी अंतर होता है। गणित और विज्ञान की शिक्षा में क्या अंतर पाया जाता है। और उसके बाद जो आपका व्यवसाय है, तो व्यवसाय अलग अलग व्यवसाय के लोगों में क्या हो जाती है, भिन्नता पाई जाती है। अब उसके बाद जो है जो आठवां है आपका उम्र, एक शिशु की और एक वयस्क में उम्र के कारण जो है क्या अनेक अंतर पाए जाते हैं, ठीक है। और लिंग भेद की बात हो जाती है तो आपका जो है जो आपका, हाँ जी, नौवां है वो आपका क्या है, लिंग भेद है। तो स्त्री पुरुष के स्वभाव एवं जो उनकी शरीर रचना होती है में काफ़ी जो है क्या अंतर पाया जाता है। तो बालक प्रायः जो है कठोर एवं साहसी होते हैं, जबकि वही बालिकाएं जो है कोमल दयालु और क्या होती हैं, लज्जाशील होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आपका जो दसवां है, दसवां आपका बताता है बुद्धि। तो गाल्टन और अन्य के अध्ययनों से यह सिद्ध हो चुका है कि दो लोगों में बुद्धि जो है बराबर नहीं होती है, समान नहीं होती है। तो बुद्धि भेद के कारण व्यक्ति की शैक्षिक तथा व्यावसायिक उपलब्धियों में जो है क्या पर्याप्त अंतर पाया जाता है, क्या पर्याप्त अंतर पाया जाता है। तो बुद्धि का जो है गाल्टन का आप कर लीजिएगा। उसके बाद जो है ग्रहण शक्ति होती है, ठीक है, यहाँ जो है ग्यारहवां जो है आपका ग्रहण शक्ति की बात होती है। तो ये तो आप ऐसे ही समझ लीजिए कि एक ही प्रश्न को समझने में विद्यार्थी जो है क्या करते हैं, अलग अलग समय लेते हैं। किसी की ग्रहण शक्ति कुछ होती है जबकि किसी दूसरे की ग्रहण शक्ति जो है क्या होती है, कुछ होती है। अधिगम की बात करते हैं तो अधिगम का स्तर एवं निपटता जो है वह दो लोगों में क्या होती है, अलग अलग होती है। तो अधिगम का स्तर और निपुणता दो लोगों में क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। तो संस्कृति, जो सांस्कृतिक या जो कल्चर है, तो यहाँ जो है इसको जो है मार्गरेट मीड, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जो है मार्गरेट मीड ने जो है व्यक्तिक विभिन्नता का एक प्रमुख कारण जो है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका पूछा जा चुका है, किसको माना है, संस्कृत को माना है, ठीक है, किसको माना है, संस्कृत को माना है। उसके बाद जो है अगर किसी व्यक्ति का जो है शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य खराब है, तो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के कारण भी व्यक्तियों में जो है क्या हो जाती है, भिन्नताएं पाई जाती हैं। राष्ट्रीयता, आप जैसे हम लोग यहां नौकरी के लिए परेशान हैं, जबकि वही अमेरिकन लोग जो है किसके बिजनेस के क्षेत्र में काफ़ी परेशान होते हैं। तो भारत में ज़्यादातर लोग जो है सरकारी नौकरियों के, जबकि अमेरिकी में जो है क्या बिजनेस के, ठीक है। उसके बाद जो आपका है सोलहवां जो आपका पृष्ठभूमि है, तो किसी भी व्यक्ति के विकास में उसका सामाजिक, उसका आर्थिक, उसका शैक्षिक और उसका जो सांस्कृतिक विकास होता है वो क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है, क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो जाति तथा प्रजाति, जाति तथा प्रजाति की बात की जाए तो भिन्न भिन्न जातियों तथा प्रजातियों के व्यक्ति परस्पर आपस में परस्पर जो है काफ़ी क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। तो यहाँ आप काम डाल लीजिएगा क्लीनबर्ग और जो है क्या कार्ल पियर्सन, ठीक है, क्लीनबर्ग और कार्ल पियर्सन जात पिया। और उसके बाद मनोवैज्ञानिक जो आपके एडलर हैं, तो मनोवैज्ञानिक अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किस मनोवैज्ञानिक ने रचनात्मक शक्ति को, कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि किस मनोवैज्ञानिक ने रचनात्मक शक्ति को, ठीक है, वैयक्तिक विभिन्नता का प्रमुख कारण माना है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा का एडलर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, एडलर हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहां देखिएगा, ये आपकी कल की और इसमें थोड़ी सी अभी कल की क्लास में इसमें और आपका होगा।
तो व्यक्तिक विभिन्नता का शिक्षा में, इसलिए स्पेशली आप इसको बहुत फोकस कर रहा हूं मैं, स्पेशली आपके सुपर टेट में व्यक्तिक विभिन्नता टॉपिक लिखा गया है, ठीक है। तो यहां से आपका एक क्वेश्चन पक्का है, यहां से एक क्वेश्चन पक्का है, बस इतना आप जितना पढ़ा रहा हूं यहां से इतना ध्यान दे दीजिए बस, ठीक है। तो उसके बाद जो है यहां जो है दो तीन पॉइंट और है, व्यक्तिक विभिन्नता का शिक्षा में क्या उपयोग होगा, और व्यक्तिक विभिन्नता का शिक्षा में उपयोग के बाद जो है व्यक्तिक विभिन्नता जो है क्या जानने की जो विधियां हो जाएंगी, ठीक है, जानने की जो विधियां हो जाएंगी, ये सारी चीजें हम आपको कल की क्लास में लेते हैं। तो आई होप आपको ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस का लेक्चर बेहतर लगा होगा। तो और भी अपने साथियों को मोटिवेट करिए, सारे लोग जो है जुड़िए, आपकी क्लास बेस्ट से बेस्ट दी जा रही है। तो सबको वेरी वेरी थैंक्स, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।